हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th के सब्जेक्ट साइंस के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप किस बार आपके अर्धवार्षिक में पूछे जाने वाले हैं। तो टोटल अगर हम बात करें जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं उसमें आपके शॉर्ट यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसके अलावा निश्चित उत्तरीय प्रश्न और वैकल्पिक प्रश्न, ये 4 तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से चैप्टर फर्स्ट से लेकर के चैप्टर आपके 7, 8 तक के चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, आप सभी को अच्छे से पता होगा। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, आपको पदार्थ बताना है। यहाँ पे आपको दे रखा है कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। तो ये आपको दे रखा है, इनमें से आपको क्या बताना है, कौन कौन पदार्थ है वो आपको यहाँ पर बता देना है। इसमें से चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। और सारे प्रश्न आपके महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्स में काफी बार पूछे जा चुके हैं। प्रश्न आपका पदार्थ के भौतिक स्वरूप की आधुनिक अवधारणा क्या है। तो आपको पता है जो पदार्थ है वो रेत की तरह कणों से मिलकर बना है। ये कण क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। फिर है विसरण से आप क्या समझते हैं, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः परस्पर मिलना ही विसरण कहलाता है। तो बहुत सिंपल शॉर्ट में आप बोल सकते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। अभी धीरे धीरे आगे लॉन्ग भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके 4-4 5 5 5 नंबर के पेपर में पूछे जाते हैं। प्रश्न आपका दो ऐसे पदार्थों के नाम लिखिए जो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में रहते हैं। तो आप यहाँ पे दो याद कर सकते हैं, जल और गंधक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है पदार्थ को उदाहरण सहित समझाइए कि पदार्थ क्या होता है। तो आपने यहाँ से वीडियो रोक करके पढ़ लेना है। चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं, वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में बताइए, वाष्पन तथा क्वथन में अंतर बताइए। तो पहले आपको क्या बताना है, वाष्पीकरण बताना है कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं। फिर उसके बाद आप क्या बताएंगे, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फिर है वाष्पन तथा क्वथन में अंतर। तो आप यहाँ से पढ़ लेंगे कि वाष्पन क्या होता है, यह द्रव के प्रत्येक ताप पर होता है और क्वथन जो है यह द्रव के एक निश्चित ताप पर ही संभव होता है। तो इस तरह से आपने ये 5 के 5 पॉइंट अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको उदाहरण भी देने थे तो उदाहरण भी आप यहाँ से पढ़ लेंगे। और सिंपल क्योंकि आप ये मोस्टली इनमें से एग्जाम्पल जानते होंगे, जैसे कि गर्मियों में शारीरिक क्रिया के कारण हमें अत्यधिक पसीना आता है, जब हम गर्मी में दौड़ते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं जल्दी आता है पसीना और ज्यादा आता है, और पंखे की हवा में उसको हम सुखाते हैं। तो ये क्या है, तीव्र वायु में वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है तथा हमें शीतलता यानी ठंडक प्राप्त होती है। ऐसी एग्जाम्पल बाकी देख लेंगे। नेक्स्ट है पदार्थ से आप क्या समझते हैं, वे वस्तुएं जिनमें आयतन तथा द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती हैं। अगला है मिश्रण से आप क्या समझते हैं, तो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो अशुद्ध और विषमांग द्रव्य प्राप्त होता है वह मिश्रण कहलाता है, जैसे सीमेंट, पीतल आदि। अगला प्रश्न है समांगी मिश्रण की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण दीजिए। तो ऐसा मिश्रण जिसका संगठन एक समान होता है समांगी मिश्रण कहलाता है, जैसे कॉपर सल्फेट जल में घुलकर समांगी मिश्रण बनाता है। अगला है विषमांगी मिश्रण की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण दीजिए। तो ऐसा मिश्रण जिसका संगठन एक समान नहीं होता विषमांगी मिश्रण कहलाता है, जैसे रेत तथा जल का मिश्रण। अगला है कोलाइडी विलयन क्या है, मिश्र धातुएं क्या होती हैं, विलेय को परिभाषित, और विलायक। विलेय विलायक क्या होता है, विलेय यानी आपने कोई एक विलयन बनाया जिसमें आपने 2 से 3 चीज़ें मिक्स कर दी, तो जिसकी कम मात्रा रहेगी उसको आप बोलेंगे विलेय और जिसकी ज़्यादा मात्रा रहेगी उसको आप बोलेंगे विलायक। सिंपल आप इसको यहाँ पे पानी और नींबू के रस को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारा एक विलयन बन जाता है, तो कम मात्रा में होता नींबू का रस, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे विलेय, और ज़्यादा होता है पानी तो हम उसको बोलेंगे विलायक। क्लियर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो कोलाइडी कणों के छोटे आकार के कारण हम इन्हें आग से नहीं देख सकते, परंतु ये कण प्रकाश की किरणों किरणों में आसानी से फैला देते हैं, इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। आपने नॉर्मली देखा होगा कहीं पर छेद वगैरह है तो वहां पे आपको धूल के कण दिखते होंगे, तो उसी को आप टिंडल प्रभाव समझ सकते हैं। फिर है समांगी तथा विषमांगी मिश्रण में अंतर बताना है, विभेद करना है। तो यहाँ पे दो आपको यहाँ दे रखे हैं, इन दोनों को आपने पढ़ लेना है, जैसा कि इनका संगठन एक समान होता है और इसके अवयवी संरचना गुण स्वरूप एक समान होते हैं। नेक्स्ट है कोलाइडी के गुणधर्म लिखिए, यानी कोलाइडी जो होता है उसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं।
अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विलयन, निलंबन और कोलाइडी एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, यानी सिंपल सा अगर शब्दों में गए तो आपको यहाँ पर भी अंतर ही बताना है किस किस के बीच में, विलयन, निलंबन और कोलाइडी के। अगला प्रश्न जो कि लॉन्ग में आपको देखने को मिलेगा, प्रश्न है आपका विलयन क्या है, फिर इसके बाद इसके चार उदाहरण देने हैं, फिर है विलयन के गुणधर्मों का भी उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले विलयन के, जैसा मैंने भी आपको बता दिया एक एग्जांपल, नींबू और पानी, ठीक है, तो उन दोनों को मिलाने पर हमें क्या मिलेगा, एक विलयन मिलेगा। फिर आ जाता है विलयन को दो भागों में बांटा गया, विलेय और विलायक। विलेय जिसकी कम मात्रा है उसे विलेय, जिसकी ज़्यादा मात्रा उसको विलायक। उदाहरण यहाँ पे आप देख रहे हैं, चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है, इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है। सेम यहाँ पे आप नींबू का रस और वो ले सकते हैं। गुणधर्म आप यहाँ से पढ़ लेंगे, आई होप कि इसको आप इजीली कर पाएंगे। फिर अगला है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया, तो आंसर आपने याद रखना है लोमोनोसोव। नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलते हैं, किस समीकरण के अनुसार द्रव्य को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है, तो आइंस्टीन की जो ऊर्जा समीकरण है ई बराबर एमसी स्क्वायर के अनुसार बदला जा सकता है। फिर है यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखने आपको, सल्फ्यूरिक अम्ल का और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। सल्फ्यूरिक अम्ल का है H2SO4 और CaH का होल ट्वाइस। अगला प्रश्न आपके सामने बच्चों है, परमाणुकता क्या है, तो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है, जैसे Cl2 की परमाणुकता कितनी है, 2 है। बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखने हैं, किस किस के नाम लिखने हैं आप बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनको आपने देख लेना है अच्छे से। और अगला जो है क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ये परमाणु अणु और अणुसूत्र हर साल आपके एग्जाम में बच्चों ये पूछा जाता है, तो इसको आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट है डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत का वर्णन कीजिए, ये आपका आएगा ही आएगा, डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो इन सारे क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कम से कम आपको 20 से 25 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है वो आपको आना चाहिए, या उनकी जो परमाणु संख्या है वो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या विलक्षण गुणधर्म है, तो ये आपको याद होना चाहिए। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या थी, यानी क्या क्या उसकी बोल सकते हैं लिमिटेशंस क्या थी, वो आपको बताना है यहाँ पर। फिर देखो थॉमसन और रदरफोर्ड तथा बोर के परमाणु मॉडल की तुलना कीजिए, आपको तुलना करनी है, डिफरेंस बताना है क्या क्या डिफरेंस था इन तीनों के, थॉमसन के, रदरफोर्ड और बोर के। अब बात करते हैं कुछ आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन यहाँ पर बता देते हैं, ताकि आप इन सभी को अच्छे से प्रिपेयर कर ले। और बात करें कि जिन बच्चों को ये PDF चाहिए, जो भी बच्चे इन PDFs को लेना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेंगे, व्हाट्सएप नंबर है 8864 8864, नोट कर लेंगे आप लोग जिन भी बच्चों को PDF चाहिए। फिर है 8425 47, ठीक है, 8864, फिर है 8864 8425 47, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेंगे, बहुत ही कम प्राइस में आपको ये सारी PDF देखने को मिल जाएंगी। जो बच्चे PDF परचेज करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज आप इन सभी PDF को यहीं से वीडियो से प्रिपेयर कर लेंगे, तब भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बट आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आप इन PDF को जरूर परचेस कर सकते हैं, मात्र 40 से 50 रुपये में आपको ये तीनों PDF देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको वैकल्पिक प्रश्न मिल जाएंगे और निश्चित द्वितीय प्रश्न भी, ये सारे आपको मात्र 40 से 50 रुपये में देखने को मिल जाएंगे। तो आपने व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, और मैसेज करने के बाद अपनी क्लास सब्जेक्ट बताना है, हम आपको एक QR कोड दे देंगे, उस QR कोड पर जैसे आप पेमेंट करते हैं आपको PDF आपके व्हाट्सएप नंबर पर उसी समय मिल जाती है। आई होप बच्चों इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम।